अब रुक करेंगे अगली खबर का। क्रूज में ड्रग्स पार्टी के मामले को लेकर एनसीबी ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी के अनुसार गिरफ्तार लोग पार्टी के आयोजक हैं और एनसीबी आज एक बार फिर से कोर्ट से इन 4 लोगों को रिमांड पर भेजने की अपील करेगी। अब तक इस पूरे मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनसीबी को 3 और लोगों की अभी भी तलाश है। एनसीबी की जांच अभी भी जारी है और कई और जगहों पर भी छापेमारी हो सकती है। चार अरेस्ट किए हैं जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस पार्टी का। अभी टोटल इस केस नंबर 94 में 16 अरेस्ट हुए हैं और इसमें भी आगे की कार्रवाई और हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे और कर रहे हैं। तो कार्रवाई लगातार की जा रही है, लगातार एक के बाद एक कई जगहों पर कार्रवाई की गई। 16 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अनुज मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। अनुज, 4 और लोगों को एनसीबी ने पकड़ा है, और क्या अपडेट है? जी देखिए, लगातार जिस तरीके से हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि एनसीबी के रडार पर गोपाल आनंद नाम का एक शख्स है जो कि पार्टी ऑर्गेनाइजर है। गोपाल आनंद की तलाश में ही एनसीबी ने कई जगहों पर रेड की। उसके बाद 4 और लोगों को गिरफ्तार किया जो कि ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें गोपाल आनंद भी शामिल है। फिलहाल एनसीबी का ये कहना है कि अभी कुछ और लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा थे, उनकी तलाश की जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एनसीबी का शिकंजा लगातार कटता जा रहा है। टोटल 16 लोगों की इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो पार्टी का हिस्सा थे, साथ ही साथ ट्रक पैडलर और तीसरा जो है ऑर्गेनाइजर। अभी एनसीबी का ये कहना है कि इस मामले में कुछ और लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है, साथ ही साथ जो चेन है पूरी, उस चेन की एक एक कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई है। टोटल 16 लोगों की इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो एनसीबी की रडार पर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल अनुज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है।